His story is the rat story. एक स्टूडेंट था, उसका नाम था एम, उसका नाम था एम, और हाल ही में उसको 80 मार्क्स इंग्लिश में पड़ गए थे और 44 मराठी में और 44 इंग्लिश में सॉरी हिंदी में पड़ गए थे। और इन वर्ड्स से कैसे क्या रैड बनता है हम आज इस स्टोरी से देखेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, एम नाम का एक लड़का था। कौन सा था? एम नाम का लड़का था और उसको मार्क्स पड़ गए थे 80। कितने? 80 मार्क्स पड़ गए थे, ये 8 और ये 0। ये मराठी लैंग्वेज की वर्ड्स हैं। और 44 इन मराठी एंड 44 इन हिंदी में मार्क्स पड़ गए थे। और ये मार्क्स पढ़ने की वजह से माँ खुश होकर उसने माँ ने पीठ के ऊपर से एक हाथ घुमाया तो एक रेड बन गया। ये तो एक छोटी सी स्टोरी, आपके दादा दादी की ज़माने की स्टोरी। मैंने सोचा यूट्यूब पर ये स्टोरी नहीं है, चलो बना लेते हैं स्टोरी। हाँ, और एक बात, आपको दादा दादी को जरूर ये स्टोरी सुनाना, ये बचपन में स्टोरी सुनी होगी तो आपको भी वो स्टोरी सुनाएंगे और उनकी भी बचपन की यादें ताज़ा होंगी। हाय गाइस, आपको भी सेम मार्क्स पड़े होंगे तो माँ को कभी मत बोलना कि आपके पीठ के ऊपर से हाथ घुमाने की, क्योंकि आप भी चूहे बन सकते हो। नहीं गाइस, ऐसा होता तो आज कई बच्चे चूहे बन चुके होते, माँ ने हाथ से घुमाया और चूहे बन गए। आज उतने परसेंट सेम पड़ गए होते हैं और माँ ने हाथ घुमाया तो कितने चूहे बन चुके होते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आ गया होता, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय गाइज़।